हाय फ्रेंड, वेलकम टू बिप्लब पेट्स वर्ल्ड। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो लोग फिश फार्म्स स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और बहुत ही चीप रेट में आप कैसे फिश फार्म स्टार्ट कर सकते हैं उसी के बारे में हम पूरा जानकारी देंगे और प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे। मैं जो सेटअप बनाया टोटल कॉस्ट 185 रुपीस। आप अगर फिश फार्म बनाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा। मैं मार्केट से 35 रुपीज़ में ये पॉलीथीन लाया और 50 रुपीज़ की एक थर्मोकोल की बॉक्स लिया। उसके अंदर पॉलीथीन को डाल के साइड से सेलो टेप को चिपका के मैं एक वाटर टैंक बना लिया। देखिए मैं कैसे टैंक बनाया। और उसके बाद मैं उसके अंदर पानी भर दिया, 4 इंच छोड़ के मैं पूरा पानी भर के टोटल 1 वीक छोड़ दिया इसे ही। उसके अंदर थोड़ा सा एक्वेरियम सॉल्ट डाल के उसके बाद मैं मार्केट से 20 पीस ब्लैक मॉली फिश लाया, जिसके वाव 100 रुपीज़, 5 रुपीज़ करके एक पीस है। इसके अंदर 15 पीस फीमेल ब्लैक मॉली फिश है और 5 पीस मेल मॉली फिश है। मॉली फिश ऑटोबिट फिश, ये डायरेक्ट बच्चा देता है। और 3 फीमेल के साथ 1 मेल, ऐसे रेशियो में मैं लाया। और तालाब के अंदर जो प्लांट मिलता है जिसे मैं ला के थोड़ा नमक से इसे वॉश कर लिया। उसके बाद मैं फिशेस को इस टैंक में छोड़ दिया। देखिए धीरे धीरे करके ये सब पूरा टैंक के अंदर जाएगा। और सारे फिशेस देखिए पूरा टैंक के अंदर बहुत मज़े से घूम रहा है। नया टैंक है और नया टैंक के अंदर बहुत ही मज़े से घूम रहा है। देखिए ये सारे फिशेस की एज 3 मंथ, अभी ये ब्रीडिंग करना चालू करेगा। इसके बाद हम वो नदी या तालाब में जो प्लांट मिलता है ऐसे प्लांट मैं इसी टैंक में डाल दिया, क्योंकि जो इन लोगों के जो बेबीज आएगा उसके हाइडिंग प्लेस भी होगा। और ये प्लांटेड टैंक में बहुत अच्छा ब्रीडिंग करता है। देखिए ऐसे प्लांट टैंक में आप डाल दीजिए। उसके बाद ये लोग इसके अंदर अच्छे से हाइडिंग करेगा और इन लोगों के ब्रीडिंग के लिए बहुत ही हेल्प होगा। ब्रीडिंग के बाद जो बेबीज आएगा उन लोगों के हाइडिंग प्लेस के लिए भी बहुत ही बेटर होगा ये सारे प्लांट। देखिए आफ्टर 20 डेज एक फीमेल ब्लैक मॉली जो प्रेग्नेंट हो गया, देखिए आपको दिख रहा हूँ, ये अभी 10 दिन के अंदर बेबीज दे देगा। ये प्रेग्नेंट हो गया, 10 दिन के अंदर ही इसका बेबीज आ जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब इसके बेबीज आएगा आप लोगों को मैं वीडियो करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।